नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अब नहीं होने देंगे धर्म परिवर्तन, विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हैदराबाद में आयोजित हिंदू शक्ति संगम को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम एक भी हिंदू का धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। भारत में जो भी मुसलमान और ईसाई हिंदुओं के वंशज हैं और उनमें से कोई अगर हिंदू धर्म में लौटना चाहता है तो हम उन्हें वापस लाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुगलों के शासन में धर्म परिवर्तन कर लिया था, जबकि कुछ ने विक्टोरिया के शासनकाल में। अब वापस लौटाई है। आतंकवादी लखवी की रिहाई का रास्ता साफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को हिरासत में लेने संबंधी अधिसूचना को निलंबित कर दिया है। इस आदेश के बाद लखवी की रिहाई तय मानी जा रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अपने लिखित आदेश में कहा था कमजोर सबूत और कुछ अन्य बातों का आरोपी को फायदा मिल गया। विवाह से पहले सेक्स अब चौंकाने वाली बात नहीं। बम्बई हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा कर संबंध बनाने का हर मामला बलात्कार नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में खासकर बड़े शहरों में अब शादी से पूर्व सेक्स कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी नासिक के राहुल पाटिल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राहुल पर उसकी पूर्व प्रेमिका सीमा देशमुख ने शादी का वादा कर बलात्कार का आरोप लगाया था। सीमा ने दावा किया था कि संबंध बनाने के बाद वह गर्भवती हो गई थी, लेकिन वादे के बावजूद राहुल ने किसी और लड़की से शादी कर ली। राहुल और सीमा दोनों ही पेशे से वकील हैं। आरोप सिद्ध हुए तो सिर कटवा लूंगा, गुरमीत राम रहीम सिंह ने कहा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने आश्रम में जबरदस्ती नपुंसक बनाए जाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यदि आरोप सिद्ध हुए तो वे अपना सिर कटवा लेंगे। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख के एक पूर्व अनुयायी हंसराज चौहान ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि बाबा आश्रम के संतों को जबरदस्ती नपुंसक बना रहे हैं। अदालत ने इस मामले की CBI से जाँच कराने के आदेश दिए हैं। आमिर खान ने शुरू की पहलवान बनने की तैयारी। आमिर खान उन अभिनेताओं में से हैं जो अपने किरदार के मुताबिक अपने शरीर को ढालते हैं। गजनी के लिए उन्होंने 6-pack एब्स बनाए थे तो 3 Idiots के लिए वजन कम किया। अब वे अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दंगल। आमिर ने इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। वे अपना वजन कई किलोग्राम बढ़ाएंगे और पहलवान की तरह दिखाई देंगे। खबर है कि इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रेनर विदेश से आने वाला है।